शरीर की त्वचा पर सफेद दाग एक आम समस्या है जो कि पुरुषों, महिलाओं, बच्चों एवं वयस्क किसी में भी पाई जा सकती है और बहुत प्राचीन काल से यह बीमारी दिखी जा रही है और इसके पर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। और सच्चाई ये है कि यह बीमारी एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मतलब त्वचा संबंधी एक सौंदर्य समस्या कह सकते हैं इसको मेडिकल टर्म में, क्योंकि इससे होने से शरीर पे स्वास्थ्य में कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। सफेद दाग को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अन्य भी कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हल्के धब्बे होते हैं। सफेद दाग बिल्कुल प्योर, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, स्पॉटेड, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और कुछ खास जगह स्थान है जैसे सब होंठ जो है कॉमन एरिया में दिखाया जाता है, बहुत लोगों सिर्फ होंठ पे लिप्स जो है वो ज़्यादा हल्के रंग के हो जाते हैं, तो बिल्कुल पिंकिश टाइप का हो जाता है, ये कॉमन एरिया है। हाथ में डॉर्सम ऑफ द हैंड, मतलब हाथ के ऊपरी पिछले भाग में, तलत्ती के पिछले भाग में या वहाँ भी पाए जाते हैं लोकलाइज, और कुछ के शरीर के पूरे भाग में भी पाए जाते हैं। ये एक समस्या जो प्राचीन है, इसे मेडिकल टर्म में विटिलिगो या लिकोडर्मा के नाम से जानते हैं। सवाल है कि इसमें क्या वजह है कि ये होता है इस बीमारी। तो यह कोई संक्रमण नहीं है, जैसा मैंने पूर्व में बताया, किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरियल, फंगल या वायरल कोई तरह के संक्रमण की कोई संभावना नहीं होती। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक तरह का। इसमें हार्मोन की डिफिशेंस, मतलब इरेगुलरिटी कह लीजिए, डिसफंक्शन कह लीजिए, कि गड़बड़ी से त्वचा को जो रंग देने वाला एक रासायनिक है जो शरीर में पाया जाता है उसको मेलानिन कहते हैं। इसी की अधिकता या इसकी कम होने से ही रंग, व्यक्ति का रंग गोरा, काला या सांवला निर्धारित होता है। मेलानिन हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है। यह मेलानिन जो है उसमें वहाँ पर किसी वजह से वहाँ पर वो कलर नहीं दे पाता, छूट जाता है। अब वजह किस वजह से होती है ये थोड़ा सा पेचीदा है और बहुत उसको सूक्ष्म में जाने को पता चलता है कि हार्मोन का कहाँ से क्या गड़बड़ी हुई, कि हमारे बॉडी का केमिकल मैसेंजर हार्मोन है, वही हमारे जो एक समझिए कि एकदम मिनिमम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी तंत्रिका तंत्र जो भी नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी बात को मानता है, उसे संचालित होता है। तो वो मेलानिन उस किसी वजह से वहाँ मैसेज नहीं मिल पाता है या हार्मोनल जो भी डिस्फंक्शन के कारण से है वहाँ पर उतनी जो त्वचा जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाती कलर, जिसे वो डिसकलर हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो वजह है इसे स्पष्ट और करना चाहेंगे कि जैसा कि हमने कहा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जैसे हम पूर्व में और बीमारियों के बाद से आपको कंपेयर करके बताना समझाना चाहेंगे, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे आम भाषा में गठिया कहते हैं, डायबिटीज, शुगर जिसको कहते हैं जी बीमारी, और इस ढंग से भी सोरियासिस, इस ढंग की और सी बीमारियां हैं जो को कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी वजह एग्जैक्ट बिल्कुल प्रभावित नहीं है, सस्पेक्ट है, इन इन संभावनाओं से होती है। हार्मोनल डिसऑर्डर है ये तो क्लियर है। पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग रोगियों में अलग अलग ठीक होने की संभावना की स्थिति होती है, उनकी उम्र कितने दिनों से है वो और खान पान क्या है इस आधार पर, और कितना परहेज जो उनको बताया जाता है कि ये चीज़ का अवॉइड करें, खास करके सिट्रस फूड का जो है कि नहीं, विटामिन सी के सोर्सेज का हम लोग मना करते हैं, उसका कितना पालन करते हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो लोग घबराते हैं इसलिए कि इसमें तुरंत त्वरित जो है कि नहीं परिणाम नहीं मिलते हैं, और फॉर्चुनेटली कोई किसी पेशेंट में अगर पहली ही दवा में सूट करेगा तो बहुत जल्दी परिणाम मिल सकते हैं। तो इसमें गारंटी के साथ ये नहीं कहा सकता कि ये बिल्कुल इतने दिन में ही ठीक हो जाएगा या 100% ही ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक जरूर होगा, बढ़ेगा नहीं, सुधरेगा ही, क्योंकि कुछ के इसमें ऐसा होता है कि 90% ठीक हो जाते हैं, 10% थोड़ा सा दाग रह जाता है जो कि बाद में ठीक नहीं होता। उसके लिए भी कुछ दवाएँ आई हैं जिसको हम लोग फिर मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इस पेशेंट में ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, दूसरे पेशेंट में दूसरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, कोई जरूरी नहीं कि सेम लाइन ट्रीटमेंट में वो उसको रिजल्ट मिले।
हो सकता है पहले वाले को बहुत अच्छा मिला हो, दूसरे वाले को बिल्कुल न मिले। तो इस तरह से ये स्थिति है कि संभावना होने का जो परसेंटेज है वो हम पेशेंट को पहले बताए थे कि प्रथम 3 बार तक आपको हम दवा चलाएंगे खाने की लगाने की, उसके आधार पर हम एनालिसिस करके बता देंगे कि आपको कितने दिन तक ठीक होने की संभावना है और क्या पोजीशन है, कितने परसेंटेज है। शुरू में हम बिना देख दवा दिए बिना हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कितने दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आप उसके लिए सहमत हैं तो भी आप आगे बढ़िए। अल्ट्रावायलेट रेंज का भी UVA रेंज भी दिया जाता है, लेजर भी है उसका लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी देखिए सफलता की नहीं है। पाली आपने हाथ में करवा लिया लेजर, पता लगा बाद में पैर में निकल गया। तो ये चीज है ना कि ये सब चीज जले हुए जैसे बाली सफेद दाग उसमें वो तो कारगर है, वो तेरी दूर लोकलाइज है, लेकिन इसमें दूसरी जगह नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।